ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने युद्ध, आर्थिक अनिश्चितता, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी चुनौतियों पर चिंता जताई और कहा कि ब्रिक्स दुनिया को सही रास्ते पर ले जाने में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बातचीत उन्होंने की है। दोनों नेताओं के बीच करीब 5 साल बाद यह औपचारिक वार्ता हुई है। 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद दोनों देशों में मतभेद गहरा गए थे। ये बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब लद्दाख में LAC पर भारत और चीन के बीच पिछले 4 सालों से चल रहा विवाद सुलझ गया है। अब रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने की ओर दोनों देश आगे बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया जिसमें कई मुद्दों पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है। आतंकवाद को लेकर चिंता जाहिर की है और साथ ही सभी देशों से उन्होंने अपील की है कि आतंकवाद को लेकर सभी एकजुट होकर एक्शन लें। आतंकवाद को लेकर किसी प्रकार की कोताही कोई भी देश ना बरते। का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर के उभरेगा। फ्रेंड्स, मैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हर एक्सलेंसी दिलमा रुसेफ का अभिनंदन करता हूं। पिछले 10 वर्षों में यह बैंक ग्लोबल साउथ के देशों के विकास के लिए महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभर रहा है। भारत के गिफ्ट सिटी के साथ साथ अफ्रीका तथा रूस में रीजनल सेंटर्स के खुलने से इस बैंक की गतिविधियों को बल मिला है और लगभग $35 बिलियन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए गए हैं। NDB को डिमांड ड्रिवन सिद्धांत पर काम करते रहना चाहिए और बैंक का विस्तार करते हुए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, हेल्दी क्रेडिट रेटिंग और मार्केट एक्सेस सुनिश्चित करने पर प्राथमिकता रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, नए स्वरूप में ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है। हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और ब्रिक्स वीमेन बिजनेस अलायंस की विशेष भूमिका रही है। इस वर्ष ब्रिक्स के अंदर WTO रिफॉर्म्स, ट्रेड फैसिलिटेशन इन एग्रीकल्चर, रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, ई कॉमर्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर जो सहमति बनी है उससे हमारे आर्थिक सहयोग को बल मिलेगा। इन सब पहलों के बीच हमें स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री के हितों पर भी फोकस करना चाहिए।